प्रस्ताव थे उस पे और एक अन्य ने, इस प्रकार कुल मिलाकर के 15 निर्णय लिए गए। दो तीन बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, और एक निर्णय जो हुआ कि हाउसिंग बोर्ड का जमीन है उसको फ्री होल्ड करने से संबंधित शर्तें निर्धारित की गई, और दूसरा खास महल जो जमीन है उसको भी फ्री होल्ड करने से संबंधित निर्णय लिए गए। माननीय मंत्रीगण उपस्थित हैं, मैं अनुरोध करूंगा एक एक करके आपको ब्रीफ करने। बाकी हम कर देंगे, आप फ्री होल्ड वाला कर दीजिए। जैसा कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने बताया आपको कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं, जिसमें तीन महत्वपूर्ण निर्णय हुए। एक तो नगर विकास विभाग के अंतर्गत जो हाउसिंग बोर्ड की जमीन है या मकान है उसको फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया गया है। पहले फ्री होल्ड नहीं था, वो जमीन कोई यदि बेचना चाहता था, कोई खरीदना चाहता था, वैसे स्थिति में हाउसिंग बोर्ड की भूमिका उसमें होती थी और उसके लाभांश की गणना होती थी, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती थी। अब एक बार शुल्क देकर जिसमें अलग अलग तरीके से शुल्क रखा गया है, जैसे रांची है, जमशेदपुर है, आदित्यपुर है, इस सब में 15% रखा गया है, आप एक बार शुल्क दे दीजिए तो आपका फ्री होल्ड हो जाएगा। लेकिन उसमें कई शर्तें भी रखी गई है, उन शर्तों के अधीन सारी शर्तों को आप पूरा करते हैं तो ये आपका फ्री होल्ड हो जाएगा। उसके बाद जब मर्जी आप खरीदिए, जब मर्जी आप बेचिए, इस पर फिर हाउसिंग बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फ्री होल्ड कराने के लिए सारी प्रक्रियाओं पूरी करने के बाद ही हाउसिंग बोर्ड आपका फ्री होल्ड करेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय जिसके बारे में माननीय मंत्री जी बताएंगे, सिर्फ मैं बता दूँ कि खास महल जमीन का भी बहुत दिनों से मामला चल रहा था, उसमें भी फ्री होल्ड किया गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है वो है कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उन पुलिसकर्मियों को भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले घोषणा किया था और 13 माह का वेतन देने का बात था, वो आज किया गया। फिर हमारे और मुख्य सचिव महोदय ये सब सारी चीज़ें बताएंगे डिटेल्स से, लेकिन ये तीन महत्वपूर्ण घोषणा आज के दिन कैबिनेट में निर्णय हुआ है। जैसा कि अपने वरिष्ठ मंत्री और हम सबके नेता सीपी सिंह जी ने बताया कि आज जो कैबिनेट में तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं उसमें एक दो मेरे विभाग से आज लिए गए हैं। एक खास महल को फ्री होल्ड करने की मांग बरसों से सभी राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता कार्यकर्ता करते आए थे, तो आज माननीय रघुवरदास जी की कैबिनेट ने माननीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर राज्य के उन तमाम खास महल में रहने वाले लोगों को फ्री होल्ड करने की निर्णय लिया है। इसके लिए जो आवासीय परियोजनार्थ जो जमीन है या मकान है उसमें 15% की शुल्क, और जो व्यावसायिक परियोजनार्थ जो मकान है उसको 30% के एकमुश्त अदायगी के बाद वह पूरी तरह से उनके मालिकाना या उनके हक में चला जाएगा, इसे फ्री होल्ड कर दिया जाएगा। यह निर्णय अपने राज्य के अंदर सभी खास महल से आच्छादित जगहों को, चाहे वो रांची, जमशेदपुर, पलामू, लातेहार, अपने साहेबगंज, हजारीबाग, जैसे उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय आज राज्य की सरकार ने लिया। दूसरा, जमशेदपुर में जो मालिकाना हक देने की जो निर्णय
झारखंड की सरकार ने लिया था, उसमें से तीन आवेदनकर्ताओं ने जो आवेदन किया था, तीन रैयतदार, जिसमें एक श्रीमती शांति देवी, पति चंद्रेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, एक चंद्रेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, इसको 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती, श्री बद्रीनाथ प्रसाद, स्वर्गीय रामवरण प्रसाद और श्रीमती धर्म कौर, पति तस्वीर सिंह, ये तीनों को जो आया था यहाँ पे आवेदन, ये तीनों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है और आज से 30 वर्षों के लीज बंदोबस्ती की प्रक्रिया भी जमशेदपुर के वासियों के लिए प्रारंभ हो गई है। ये दो निर्णय राजस्व विभाग की ओर से लिए गए हैं और यहाँ जो हमारे सिपाहियों की बहुत पुरानी मांग थी, हमारे आरक्षियों को 13 महीने का वेतन, वो भी आज कैबिनेट ने दिया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ और अपने मुख्य सचिव जी से वो आपको आगे के पूरी बताएंगे। अजय अजय संदीप दीदी आज हम सब लोग यहाँ हैं तो आपको लगा होगा बहुत महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिए हैं, झारखंड की मंत्रिपरिषद ने, जिसमें इसके दूरगामी प्रभाव होंगे और अधिकतम व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे। आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं बहुत मेहनत करते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, शनिवार रविवार को काम करते हैं और त्योहारों पर भी काम करते हैं, तो इन सबको देखते हुए कि उनके ऊपर कार्याधिक बहुत ज़्यादा है, राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि कांस्टेबल से लेके कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तक के लोगों को, यानी कि जो अराजपत्रित पदाधिकारी लोग हैं उनको हम लोग एक साल में 12 महीने के बाद 13वें महीना का वेतन भी देंगे। तो इस प्रकार से प्रतिवर्ष उनको 13 माह का वेतन मिलेगा, उसमें मूल वेतन भी मिलेगा और महंगाई भत्ता भी मिलेगी। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो विधि व्यवस्था की वो ड्यूटी करते हैं वो बहुत ही नियमित, जो उनके कार्यावधि है, जो नियमित घंटे हैं, उससे ज़्यादा वो ड्यूटी करते हैं। इसमें जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी हैं पुलिस में, उनको भी ये सुविधा मान्य होगी। तो इस प्रकार से हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी तरह से इस सुविधा के पश्चात अपना कार्य कर पाएंगे और जो अतिरिक्त राशि उनकी व्यय भी होती है इस तनावग्रस्त होने के कारण, वो निश्चित रूप से उन्हें सहायता पहुंचाएगी। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है वो ये है कि बहुत लोगों को, बहुत सालों से, कई दशकों से लोग यहाँ पर खास महल ज़मीन पर रहते चले आए, और आपने देखा होगा बड़े बड़े शहर, चाहे वो साहिबगंज लीजिए, आप पलामू जी, किसी भी शहर में आप जाइए तो खास महल भूमि पर लोगों बसे हुए, उनकी लीज
कई वर्षों पुरानी की है, लेकिन उस पर वो उन पर अधिकार अभी तक स्वत उनका नहीं है। तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम इन शहरों में और इन जगहों पर जो दो प्रकार की भूमि है, एक आवासीय भूमि और एक व्यावसायिक भूमि, इसको हम फ्री होल्ड कर देंगे और उसके नाम से रजिस्ट्री हो जाएगी। तो रजिस्ट्री होने के पश्चात वो व्यक्ति फ्री होगा कि वो किसी भी सेल, उसकी फ्रिक्वेंट सेल, सब्सिक्वेंट सेल कर सकता है, उस जमीन को खरीद बिक्री कर सकता है। तो राज्य सरकार का ये मानना है कि ऐसे करने से उसके लिए भी नए अवसर खुलेंगे। अगर कोई उसे नई जगह पर शिफ्ट होना है और उसको कोई और उसका मूल्य जो जमीन का है वो उसे प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से इसमें उसको आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी, वो कहीं भी का भी रहने वाला हो। इस प्रकार की जो लीज हैं हमारी, वो कुल 58,751 एकड़ में हैं और लगभग 10,518 लीज हैं, जिसमें से 9,562 हमारी रेजिडेंशियल लीज हैं, 9,562 रेजिडेंशियल आवासीय लीज हैं। अब इसमें ये भी होगा, जैसे ये मैं परिवार हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे, क्योंकि लीज कई बार 50s की हैं, 60s की हैं, और उस सबको अगर हम उसको फ्री होल्ड कर देंगे तो आज उसके हो सकता है एक लीज में 5 परिवार हो गए हों, 6 हो गए हों, तो सभी को आपस में बंटवारे में सुविधा प्राप्त हो जाएगी और उनके हिसाब से रजिस्ट्री हो जाएगी जमीन, जो रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि जो आवास बोर्ड ने अपने मकान दिए हैं, लोगों को आवंटित किए हैं, उनमें भी उनको बहुत समस्या आ रही थी कि वो बंधे हुए हैं, ये परपेचुअल लीज में हैं, उनका स्वत्व नहीं है और वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो उसमें भी हम लोगों ने ये प्रावधान कर दिया है कि एक जो दर बताई गई है 10% और 15% जो मूल्य का दर निर्धारण लेके, और लेकिन उन्हें बकाया अगर कोई रेंट हो वो चुका देना होगा, तो उसके नाम से पूरा रजिस्ट्री कर देंगे, जिसको फ्री रजिस्ट्री होगी, यानी कि फ्री होल्ड राइट उनको हो जाएगा। तो जितने भी हमारे जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के हैं आवास बोर्ड के मकान नियम हैं, उसमें ये पॉलिसी लागू हो जाएगी। और आगे से उनको ये कहा गया है कि उन्हें सिंपली अपना इसका एक एफिडेविट देना होगा कि इस पर कोई और समस्या, कोई बंदेज नहीं है, हमने सारा इसको चुका दिया है जो हमारी बकाया राशि है। तो ये तीन महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिसके आधार पर यहाँ के जो चिर प्रतीक्षित मांग है यहाँ के झारखंड के लोगों की, वो आज पूरी हुई। मैंने तो बताया कि इतना एकड़ बताया कि करीब 58,000 जो आप आवास वाले कितने मकान है करीब, लेकिन उसके अंदर है कि रांची है, धनबाद है, जमशेदपुर है, आदित्यपुर है, बड़े शहर देवघर है, डाल्टन ने सब सारे शहरों में जहाँ जहाँ हाउसिंग बोर्ड की जमीन है वो सारे के सारे। ये खास महल का जो जमीन है वो रिन्यूअल हो चुका है क्या? इसमें ये है कि अगर रिन्यूअल नहीं हुआ है तो उसका रिन्यूअल भी कर दिया जाएगा जो लोग, और ये भी है कि अगर ये मैंडेटरी नहीं है, जैसे कि अगर आप फ्री होल्ड नहीं कराना चाहें और आप चाहेंगे कि हमें सिर्फ लीज पर रहना है, चाहे वो भवन हो चाहे वो ज़मीन हो, तो वो भी अलाउड है। ये नहीं है कि हम ज़बरदस्ती आपको फ्री होल्ड कर दें। नहीं तो ये फ्री होल्ड में अलग रेट होगा, लीज नवीनीकरण का जो प्रोसेस प्रक्रिया है उसी के तहत होगा। अभी तक 700 लोगों ने अपना नवीनीकरण कराया है और ये फ्री होल्ड तभी होगा जब वो लोग नवीनीकरण के पूरी कार्रवाई को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नवीनीकरण के कार्रवाई को पूरा करने के बाद ही फ्री होल्ड की आज तक कार्रवाई चालू होगी। आज कैबिनेट ने डिसीजन लिया है 700 के करीब हमारे ऐसे लोग हैं झारखंड के अंदर जिन्होंने अपना खास महल का नवीनीकरण करवा लिया है, अद्यतन करा लिया है, वो कल ही अपना आवेदन दे करके फ्री होल्ड के प्रोसेस में आगे बढ़ जाए। लेकिन जो रिस्क है बाकी बचे हुए लोग हैं उनको इस प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए अपने नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी, तब जाकर के वो फ्री होल्ड के नेक्स्ट प्रोसेस को पूरा करेंगे। सर, अगर रिलीजियस पैलेसेस होंगे तो उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? ये यह है डिसीजन सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल और रेजिडेंशियल के लिए लिया गया है, आवासीय और व्यावसायिक पर लिया जाना चाहिए। आप जो विषय बता रहे हैं वो इसमें नहीं है। 15% और 30% जो बोल रहे हैं जी, ये वर्तमान जो उसका मूल्य है, वर्तमान मूल्य का।
ठीक है, धन्यवाद। बाकी हम क्या करते हैं, थैंक यू। एक एक करके चलते हैं, तीन प्रस्ताव हो गया है, चौथा प्रस्ताव चलते हैं। कार्मिक विभाग का है, श्री लोकनाथ प्रसाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अध्यक्ष पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग को उनके सेवानिवृत्ति की तिथि से आगामी 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में पुनः मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई। क्या नाम था? लोकनाथ प्रसाद, जो अभी भी वही काम कर रहे हैं। पांचवा उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था 10/10/2019 को। तीसरा एक्सटेंशन है ना, ये तो नहीं लिखा हुआ है। तीसरा नेक्स्ट प्रपोजल है, जल संसाधन विभाग का है, जो लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 214 अदद आहार / बांध / तालाब / मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य हेतु लागत राशि 185,08,97,700 रुपये मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट प्रपोजल नगर विकास एवं आवास विभाग का है, बिरसा मुंडा स्मृति पार्क आवासीय परियोजना रांची में 180 आवासों के निर्माण हेतु 17,37,01,700 मात्र पर पुनरिच्छित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव है नगर विकास एवं आवास विभाग का ही, संशोधित झारखंड नगर पालिका व्यापार अनुज्ञप्ति विनियमावली 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसमें 3 संशोधन है, एक जो ट्रेड लाइसेंस पहले अधिकतम 5 वर्षों के लिए दिया जाता था वह अब अधिकतम 10 वर्षों के लिए दिया जा सकेगा। दूसरा, उसमें फाइन प्रतिदिन 10 रुपये तक लगाया जा सकता था, उसे अब 20 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। और तीसरा, जो ट्रेड लाइसेंस इश्यूड या रिन्यू कराना चाहते हैं 31/12/2019 तक उसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया, बिना फाइन के करा सकेंगे। नेक्स्ट प्रपोजल है मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग का, चतुर्थ झारखंड विधानसभा के सप्तदश विशेष सत्र दिनांक 13/9/2019 के 17 अवसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। नेक्स्ट प्रपोजल है, हाँ जल्दी जल्दी करते हैं, विधि विभाग का ही है, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर एवं धनबाद में मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में स्थापना के सुचारू संचालन के लिए कुल 7 अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। खास महल हो गया, फिर ये लगता है 3 प्रपोजल मंत्री जी बता दिए हैं जिनको कि जमीन लीज पे दिया गया है 10/11
और 12 हो गया। 13 नंबर पे ये WPS 3382 बटा 2016 शंकर कच्छप एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य में दिनांक 11/5/2017 को पारित आदेश के अनुपालन में कुल 29 जो वादीगण थे उनको उनकी सेवा रेगुलराइज करने की स्वीकृति दी गई। 14वां प्रपोजल है ग्रामीण विकास विभाग का। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड के अंतर्गत राज्य के गांवों में पारंपरिक शिल्प कला एवं कौशल को विकसित करने हेतु कुल 300 करोड़ और 38 लाख रुपए से मुख्यमंत्री आजीविका संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री आजीविका संवर्धन योजना के क्रियान्वयन की एवं इसके लिए वित्तीय वर्ष 19-20 में बजटीय उपबंध के विरुद्ध कुल 25 करोड़ रुपए व्यय की स्वीकृति दी गई। ये कुल प्रपोजल हो गया। एक अन्यान में बहुत छोटा सा मामला है, दिनांक 11/6/2019 को मत संख्या 9 में लिए गए निर्णय में अव्यवहृत राशि से तात्पर्य निकाला गया है कि जल समृद्धि मद के तहत अव्यवहृत राशि जिसे पेयजल जलापूर्ति मद में खर्चा किया जा सकेगा, व्यय किया जा सकेगा। यही सारे मामले।